आनंद शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज है 12 सितंबर 2024 और आज की मुख्य खबरों में है NTPC में 11,558 पदों पर भर्ती होगी, वहीं 5600 पदों पर HSSC मतलब यहां पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी भर्ती करेगा और साथ ही साथ RPF और ALP के लिए परीक्षा एजेंसी का हो चुका है चयन, तो ये परीक्षा भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। करते हैं शुरुआत और करते हैं सबसे पहले NTPC में जो 11,558 पद निकले हैं उनकी बात। देखें यहाँ पर क्या है, RRB NTPC में 11,558 पदों के लिए बहाली होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के स्नातक स्तरीय NTPC में रिक्तियों के लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे। कब से शुरू होंगे भैया? 14 सितंबर से शुरू होंगे। इस बार अंडर ग्रेजुएट पद के तहत कुल 3,445 और ग्रेजुएट के लिए 8,113 पद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है 3,445 जो पद हैं वो किसके लिए हैं, वो यहाँ पर हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए मतलब 12वीं पास तक वालों के लिए, जबकि जो ये 8,113 पद हैं वो किसके लिए हैं, वो है भैया यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए। RRB की वेबसाइट indianrailway.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बात करें पदों की तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के कितने हैं भैया, 3144 पद हैं। मुख्य वाणिज्य सहायक टिकट पर्यवेक्षक के कितने पद हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हैं 1736 पद। आगे अगर बात करें तो वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिंग के 732 पद और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के यहाँ पर 1507 पद हैं। स्टेशन मास्टर के यहाँ पर पदों की अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं, ये जो स्टेशन मास्टर के पद हैं वो हैं 994 पद हैं। वहीं अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगी, मतलब यहाँ एक जो है जो ग्रेजुएट वाले हैं वो कर सकते हैं 13 अक्टूबर तक, तो वहीं अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए आवेदन शुरू होगा 21 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक वो कर सकते हैं। पदों की बात करें तो यहाँ पर क्लर्क सह टाइपिस्ट के 990 पद हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, अकाउंट्स क्लर्क के 361 पद हैं, ट्रेन क्लर्क के 72 पद हैं और वाणिज्य सह टिकट क्लर्क के 2022 पद हैं और दोनों के लिए अलग अलग आमंत्रित किए गए हैं आवेदन, मतलब अगर आप दोनों में अपने हाथ आजमाना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग भरनी होगी ये फॉर्म। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएट वाले जो पद हैं वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी जो अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया वो 21 सितंबर से शुरू होकर कब तक हैं, वो हैं 20 अक्टूबर तक हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में। ये भी है कि ARO पद के लिए OBC का कट ऑफ अनारक्षित मतलब जर्नल से अधिक रहा। पूरी खबर देखते हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी RO और ARO सामान्य एवं विशेष चयन 2021 के तहत ARO की प्रारंभिक परीक्षा में OBC का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। एक अभ्यर्थी की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में RTI के तहत दिए गए आवेदन के जवाब में आयोग ने यह जानकारी सामने रखी है। ARO पद के लिए अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 102, अनुसूचित के लिए यहाँ पर 89 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 110, अनुसूचित जनजाति का 70 और EWS का 106। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो OBC और EWS है, OBC और EWS ही दोनों इस बार इसमें इस परीक्षा में जर्नल से ज़्यादा थे। वहीं ARO सचिवालय के लिए अनारक्षित का कट ऑफ 100, अनुसूचित का 96, OBC का 107 और EWS का 115 है। तो ऐसा नहीं कि EWS को बहुत मानते हैं कि वो नीचे जाएगा, नहीं, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो था वो EWS का ही था। ARO सचिवालय के पदों के लिए अनुसूचित जाति कट ऑफ 98, OBC का 112 और ARO सचिवालय विशेष
चयन में ओबीसी का कट ऑफ 101 था। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में होता है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद ये सभी चीजें सही कर दी जाती है। तरफ बढ़े तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कांस्टेबल के पदों पर कितनी भर्ती निकाली है इन्होंने, इन्होंने निकाली है 5600 वैकेंसी। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है भैया, आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 सितंबर 2024 है, और 18 से 25 साल आपकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आप बिल्कुल हरियाणा एसएससी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर। तो रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द होगी परीक्षा। और किसकी बात करी है ये परीक्षा की, अगर बात करें तो ये है रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती की बात है। यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया है, अब जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। आवेदन के 5 माह बाद भी आरआरबी की ओर से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 माह गुजरने के बाद भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है। लेकिन अब ये इंतजार समाप्त होने वाला है और हो सकती है आपकी परीक्षा इसी वर्ष के अंत तक ये परीक्षाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो खैर, ये पूरी खबरें रही हैं। आप किस खबर से जुड़े हैं, आप किस भर्ती से जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक बने रहे साथ। धन्यवाद।